चलता, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोग अपने को कानून से बढ़कर मानते हैं। परंतु अब मोनी बाबा की सरकार हिंदुस्तान में नहीं है, अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। वो भारत के भागीदाता हैं और सारे विश्व के नेता हैं, सारा विश्व उन्हें आदर्श मानने लगा है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि अब कानून का राज्य चलेगा, फतवे नहीं चलेंगे। मोदी जी के सरकार को 3 साल हो गए हैं, 3 साल, उस पर कमेंट जी, 3 साल हो चुके हैं मोदी जी को, उस पर कमेंट, देश कितना बदला? और 3 साल में मैं कमेंट दूँ, ये देश की जनता कमेंट दे रही है, ये 325 सीटें उत्तर प्रदेश की क्या कमेंट नहीं है? नोटबंदी जैसा बड़ा कार्य किया और कहीं पत्ता तक नहीं हिला, क्या कमेंट नहीं है? मोदी की एक एक बात की हिंदुस्तान की जनता समर्थन कर रही है, पूरा का पूरा देश बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और मोदी जी ने इन 3 साल में जो 70 साल में काम नहीं हुए वो 3 साल में करके दिखा दिए, देश तो बदल ही रहा है, हमें बदलने की आवश्यकता है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो तो अपनी जगह मजबूती से खड़ा है और विरोध करने की बात कर रहा है, तो कैसे चलेगा मामला? बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, और ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे पता नहीं कितने आगे पीछे चल रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, मैं तो उनसे औचित्य नहीं समझता। और मैं सभी राजनीतिक दलों से, अपनी सरकार से आग्रह करूँगा, केवल और केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक, एक निशान एक संविधान। जम्मू कश्मीर इस समय देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लगातार यहाँ पर पत्थरबाज और ये सब आ रहे हैं, क्या इसका निष्कर्ष होना चाहिए आपकी नज़र में? मुझे नहीं लगता, आपको याद है कि नहीं याद है, हम वो लग हैं जब मथुरा से हम सांसद थे तो कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था श्रीनगर में। मैं और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा लेके गए थे श्रीनगर में, वहाँ के तब के आतंकियों ने कहा था अगर कोई तिरंगा फहराएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। तो जहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता था, अब घर घर, अब स्कूल स्कूल में तिरंगा फहराया जा रहा है, वहाँ सरकार बनी हुई है, पत्थरबाजों से हम लड़ रहे हैं और एक सरकार वहाँ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत लंबे कई दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में एक सरकार काम कर रही है। और आगे आगे देखिए, आपने वहाँ की मुख्यमंत्री के बयान को सुना होगा, महबूबा जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान केवल और केवल मोदी जी के पास महामंत्र है। 3 महीने में यूपी सरकार को आप क्या राय देना चाहेंगे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? अब ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आता रहा हूँ, आप लोगों से बात करता रहा हूँ। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तब तक कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, क्राइम का राज्य हो जाता है। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि काम बोल रहा है, हम बोल रहे थे अखिलेश जी क्राइम बोल रहा है। अंततोगत्वा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी, अखिलेश जी से कहा कि काम नहीं बोल रहा है, क्राइम बोल रहा है, इसलिए उनको ये बुरे हालात देखने पड़े। अब वो कहें कि हमारे पिताजी विरोध कर रहे थे इसलिए, या कांग्रेस अलायंस कर लिया इसलिए, लेकिन कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बोल रहा था और आज उस क्राइम को कंट्रोल करने का योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं उसमें एक बड़ी बात आप देखेंगे कि कार्रवाई तत्काल होती है, चाहे उसमें कहीं कोई MP दोषी हो, चाहे कोई विधायक दोषी हो, योगी जी कार्रवाई करने में देर नहीं करते। पहले तो FIR दर्ज नहीं होती थी, पत्रकारों के साथ में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं होता था सपा सरकार में, लेकिन कोई कार्रवाई का नाम नहीं था। पहले हमने क्राइम को कंट्रोल किया है और अगर कहीं छोटी मोटी घटना घटती है तो तुरंत उसमें एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है। आज रामपुर में घटना हुई है बुलंदशहर की तरह, एटा में घटना हुई है, लखनऊ में घटना हुई, शाहजहाँपुर में घटना हुई, जालौन में घटना हुई, सहारनपुर में घटना हुई, आप कह रहे प्रार्थम हो गया, फरुखाबाद में 5 बलात्कार। मुझे लगता है कि इन सबकी समुचित कार्रवाई तो होगी ही, पर सरकार समीक्षा भी करेगी, कहीं कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का काम तो नहीं कर रहे। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, अब मंदिर आंदोलन के आप नेता रहे हैं, तो अब कुछ आगे बढ़ के क्यों नहीं कहते कि मंदिर बना है उसके लिए रास्ता साफ हो? देखिए, बहुत सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है, राम कोटि-कोटि हिंदुओं की आस्था के प्रश्न हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपस में बात करके मंदिर बनाइए, ये तो नहीं कहा कि मस्जिद बनाइए, यही कहा ना आपस में बात करके मंदिर बनाइए, और अच्छी बात है मुस्लिम कार सेवक हो गए। अब आजम खान जैसा व्यक्ति यही कहता है, वो उस रामपुर के आजम खान की बात नहीं कर रहा, एक दूसरे आजम खान साहब कहते हैं कि हम तो राम के वंशज हैं, बाबर के वंशज नहीं हैं,
इसलिए जब तक राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक देश आदर्श नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। जब मुसलमान ही कार सेवक हो गए, मुसलमान गाड़ियों पर गाड़ी ईंट भर करके वहाँ लाने लगे, तो अब इसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिए कि राम मंदिर बनने में कहीं कोई विलम्ब हो सकता है। मुझे लगता है 2019 के चुनाव में जाने से पहले